वीडियोस आपको हम स्क्रीन बताएंगे कि सी लैंग्वेज में प्रोग्राम कैसे होता है। आपके सामने मेरे डेस्कटॉप की स्क्रीन दिख रही होगी और इस स्क्रीन में आपको बहुत सारे सॉफ्टवेयर दिख रहे होंगे। उन सारे सॉफ्टवेयर से कोई मतलब नहीं है, सॉफ्टवेयर आपका ये है, ये जो सॉफ्टवेयर हमने सी के लिए लोड करके रखा है टर्बो सी प्लस प्लस 4.0, ये सॉफ्टवेयर आपके डास मोड को आपकी स्क्रीन पर खोलता है, ओपन करता है। इस पर आप डबल क्लिक करेंगे तो आपकी स्क्रीन पर डॉस ऐसे खुल जाएगी और जब ये स्क्रीन पर डॉस खुलेगी तो ये देखिए आपको ये पूरा जो स्ट्रक्चर दिखाई पड़ रहा है, इसमें ऊपर ये जो फाइल एडिट सर्च रन कंपाइल डीबग प्रोजेक्ट ऑप्शन विंडो ये दिखाई पड़ रहे हैं, ये इस एडिटर की जो सी का एडिटर है जहां आप अपनी फाइल को लिखेंगे उस एडिटर के एडिटर का मेनू सिस्टम है। और ये आपको दिख रहा है कि यहाँ पर आपकी फाइलें बनी हुई हैं। यहाँ से हम कोई भी फाइल बनाएंगे उसको हम न्यू कर देंगे। वापस हम एक न्यू का ऑप्शन करेंगे, जैसे ही फाइल में जाकर के हम न्यू करेंगे तो हमारे सामने ये एक तरह की विंडो ग्रीन ब्लू कलर की एक विंडो खुल जाएगी और इस विंडो में आपका नो नेम 00.cpp नाम से आपकी फाइल बाय डिफॉल्ट दिख रही है। क्योंकि ये C++ का एडिटर है इसलिए जो फाइलों का नाम होता है एक्सटेंशन वो cpp दिखाई पड़ता है। आपको पहला काम ये करना है कि फाइल में जा करके और इसको सेव कर लेना है। सेव करेंगे तो आपको इसका नाम अपने हिसाब से कुछ भी दे देना है, जैसे हम मान लीजिए नाम दे देते हैं फर्स्ट फर्स्ट FIRST फर्स्ट .c लगाना मत भूलिएगा, फर्स्ट प्रोग्राम .c हमने इसका नाम दे दिया। उसके बाद हम इसको ओके कर देंगे। फर्स्ट प्रो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 आठ करेक्टर का ही फाइल नेम इसमें दिखाता है, वो आपको दिखा रहा है फर्स्ट प्रो .c। उसके बाद आपकी स्क्रीन ये दिखाई पड़ रही है, यहाँ हमने जो यूज किया है पीछे स्ट्रक्चर जो ब्लू प्रिंट हमने यूज़ किया था उसी ब्लू प्रिंट को हम फॉलो करेंगे। और सबसे पहला जो फाइल है वो सबसे पहला काम क्या होता है कि इसमें हम हेडर फाइल ऐड करते हैं। तो लिखेंगे हैज इंक्लूड stdio.h, ये हमारी हेडर फाइल हो गई। सॉरी थोड़ा सा ये यहाँ नाम का ये होना चाहिए, stdio.h हो गई, ये आपकी हेडर फाइल हो गई। इसके बाद इसकी दूसरी लाइन आपको याद होगी void main, ये देखिए void main हमने लिख दी, दूसरी लाइन आपकी इसकी ये हो गई void main। इसके बाद ब्रेस ओपन करेंगे क्योंकि ब्रेस ओपन करने का मतलब ये है कि हमारा वो प्रोग्राम स्टार्ट हुआ जो आपका जिसको हमको जो लाइनें लिखनी है प्रोग्राम की वो हमने स्टार्ट कर दी। उसके बाद हम प्रोग्राम बनाएंगे दो नंबर को सम करने का, जोड़ने का। हमने कल बताया था एडिशन का ऑप्शन, आपको एडिशन का प्लस का हमने बताया था और आज पहली बार हम उसको ही यूज़ करेंगे, कैसे दो नंबर्स को आपस में जोड़े कैसे। ठीक है, आप कह सकते हैं कि ऑब्जेक्टिव है इसका राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट टू नंबर्स एंड फाइंड देयर सम, दो नंबर को जोड़ने का प्रोग्राम का सम हम इसमें बता रहे हैं। और उसके साथ साथ आपको ये भी बता रहे हैं कि कैसे सी लैंग्वेज को यूज करना है, सी लैंग्वेज के एडिटर को कैसे यूज करना है, कैसे प्रोग्राम बनाने हैं, कैसे कंपाइल करना है, ये सारी चीज़ें। हैज़ इंक्लूड stdio.h लिखा, void main लिखा, उसके बाद ब्रेस ओपन किया। अब देखिए इसमें जो कीवर्ड्स हैं वो अलग कलर हो जाएंगे, फंक्शन अलग कलर हो जाएंगे, हैज़ इंक्लूड वो अलग कलर का था। दो वेरिएबल मान लिया int
एक पहला नंबर के लिए ए, दूसरा नंबर के लिए बी और एक सम के लिए एस वेरिएबल ले लिया और उसके बाद सेमीकोलन लगाया। तीन वेरिएबल हमारे हो गए ए बी और एस। ए बी और एस इसको हम स्टार्टिंग में साइंड एस एच ओ आर टी साइंड सॉर्ट इंट लिखें या न लिखें ये बता चुके हैं आपको हम, तो भी आपका वैसे ही काम करेगा। ठीक है, अब इसमें आपका आई एन टी ए बी, ए पहला नंबर, बी दूसरा नंबर और एस उसका सम। इसके बाद हम इसको इनपुट कर लेंगे। इनपुट करने के लिए पहले मैसेज डालेंगे प्रिंट एफ, उसके बाद स्लैश एन मैसेज, कुछ भी मैसेज लिख दीजिए। इनपुट फर्स्ट नंबर इनवर्टर कॉमा क्लोज होगा और उसके बाद ब्रैकेट क्लोज होगा यानी पैरेंथेसिस क्लोज होगी, उसके बाद सेमी कॉलन रहेगा और फिर हम नीचे आ जाएंगे। फिर नीचे पहला नंबर स्कैनर के थ्रू हम इनपुट कर देंगे परसेंट डी कॉमा और वेरिएबल उसका वैल्यू दे देंगे स्कैनर के साथ ए। ए को हम क्योंकि ए सिर्फ ऐसे यूज करेंगे तो ये गलत हो जाएगा, वैल्यू नहीं देगा। ठीक है, इसको हम एम्पर सेंड के साथ लिखेंगे तो ये ऑपरेटर का ये उसका यूज करता है। एम्पर सेंड उसका एड्रेस ऑफ ऑपरेटर होता है जो कीवर्ड से कीबोर्ड से वैल्यू को उठा करके और ला करके वहाँ पे उस मेमोरी पर जो उसका आपने ए नाम से जो मेमोरी क्रिएट की है वहाँ पर ला करके स्टोर करता है। सेमीकॉलन से बंद कर देंगे। सेम इसी कार्यक्रम को हम दोबारा से रिपीट करेंगे प्रिंट एफ स्लैश एन इनपुट सेकंड नंबर दूसरा नंबर यूज किया हमने, फिर से इसको बंद करेंगे स्कैन ऑफ परसेंट डी और इसको स्टार्ट कर दिया। यहाँ कॉमा लगा देंगे, यहाँ दो बार है इसको बंद ही करा दीजिए, कॉमा लगा करके फिर एम परसेंट डी लिख देंगे, ये स्टार्ट करेंगे, सेमी कॉलन लगाएंगे। हमारा ए भी हो गया और बी भी हो गया, दो वेरिएबल हो गए हमारे ए और बी, दोनों को हमने इनपुट कर दिया। इसके बाद सी इक्वल्स ए प्लस बी, ये सिंपल हमने किया, सेमी कॉलन ला करके इसको बंद कर दिया, यानी ए प्लस बी हमारा जो सी का सी जो मेमोरी एड्रेस हमने क्रिएट किया है वहाँ पर ए और बी में जो भी वैल्यू डालेंगे वो आपकी सी में चली जाएंगी। ठीक है, उसके बाद इसको हम प्रिंट करा देंगे। देखिए हमने कहीं भी इसमें कैपिटल लेटर का यूज़ नहीं किया, अगर कैपिटल लेटर का यूज़ करेंगे तो वो एरर दिखा देगा। इस चीज़ को आप देख सकते हैं कैसे यूज़ करेंगे कैपिटल तो प्रॉब्लम हो जाएगी, आपको हम दिखाएंगे एग्जांपल में कि अगर हम कैपिटल यूज़ करते हैं तो क्या हो जाएगा। ठीक है, ये सारे ऑप्शन लिख के आपको दिखाएंगे, कैपिटल यूज़ करेंगे तो क्या हो जाएगा और स्मॉल यूज़ करेंगे तो वो सारी चीज़ें। यहाँ लिख दिया रिजल्ट, रिजल्ट ये आपके पास पता है तो आपको लिख दिया सम। ठीक है, और यहाँ इसका परसेंटेज, चूँकि ये डेसिमल इंटीजर है तो परसेंटेज आई एन टी के साथ जो दोनों आपने क्रिएट किया है ए बी और एस, ये तीनों के तीनों डेसिमल इंटीजर, डेसिमल इंटीजर मीन्स आप डेसिमल साइन सॉर्ट इंटीजर है, तो डेसिमल इंटीजर के लिए आपको फॉर्मेट स्ट्रिंग परसेंट डी यूज करना पड़ता है, इसके हमने परसेंट डी तीनों में यूज किया है। सी पर सी नहीं है, एस है, क्योंकि हम गलती कर रहे हैं, यहाँ भी हमने सी यूज किया है। ये ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ध्यान देने वाली चीज़ है कि जो वेरिएबल आप ऊपर यूज कर रहे हैं आई एन टी के साथ, यहाँ जो वेरिएबल आप यूज कर रहे हैं वही वेरिएबल आप अपने पूरे प्रोग्राम में यूज करेंगे, उसके अलावा कोई दूसरा वेरिएबल अगर आप यूज करेंगे तो वो एरर होगी, मतलब गलती होगी। यहाँ से मैं क्या लगाया एंटर की प्रेस किए, नीचे लाइन पर आए, फिर ब्रेस लगाए और ये प्रोग्राम खत्म हो गया। अब ये प्रोग्राम तो हमारा बन गया, तो इस प्रोग्राम को करना क्या है, इस प्रोग्राम को बनने के बाद से हमको इसको कंपाइल करना पड़ेगा, यानी इसकी ऑब्जेक्ट फाइल बनानी पड़ेगी। अल्ट के साथ एफ नाइन प्रेस करेंगे तो देखिए आपके सामने आ रहा है कंपाइलिंग मेन फाइल फर्स्ट प्रो डॉट सी, कंपाइलिंग एडिटर फर्स्ट प्रो डॉट सी। कितनी लाइनें कंपाइल हुई हैं, 318, जबकि 318 लाइनें नहीं है हमारे इसमें, मैक्सिमम 10 लाइनें हमने लिखी हैं। बाकी लाइनें कहाँ से आई, तो बाकी लाइनें आपकी आपने जो लिखी हैं वो लाइनें आपकी
stdio.h फाइल आपकी ऐड हुई है तो बाकी लाइनें आपकी वहां से आई हैं। एवेलेबल मेमोरी 1969 किलोबाइट्स या जो भी दिखा रहा है आपका, उससे कोई मतलब नहीं है। आप अगर यहाँ सक्सेस दिखा रहा है, उसके आगे लिखा था प्रेस एनी की, आप कोई भी की प्रेस कर देंगे तो वो ख़त्म हो जाएगा, यानी आपका कंपाइल हुआ लेकिन आपके पास में रिजल्ट नहीं आया। रिजल्ट आने के लिए आपको ध्यान रखिए कंट्रोल के साथ, आप देखिए यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ लिखा है कंपाइल, अल्ट के साथ F9 लिखा है ना, ये आपने किया अल्ट के साथ F9, यही हुआ। यहाँ रन, यहाँ कंट्रोल के साथ F9, कंट्रोल प्लस F9 क्लिक करेंगे आप, मैसेज आपकी स्क्रीन चेंज हो गई, आउटपुट स्क्रीन आ गई। इसमें लिखा है इनपुट फर्स्ट नंबर, आपने दिया 12, इसके बाद इनपुट सेकंड नंबर आपने दिया 12, अगेन 12 दिया आपने, 24 होगा इसका रिजल्ट, आया नहीं रिजल्ट। रिजल्ट देखने के लिए हमारे पास देखिए विंडो में आप जाएंगे, रिजल्ट देखने के लिए आपके पास अल्ट के साथ F5, अल्ट के साथ F5 होता है, देखिए आपको रिजल्ट दिखा रहा है। इस प्रोग्राम में मिस्टेक क्या है, रिजल्ट देखने के लिए हमको अल्ट F5 प्रेस करना पड़ रहा है, वो जो 12 लिखा है बहुत चिपका हुआ है थोड़ा सा, उसमें स्पेस नहीं है। वापस आप एंटर की प्रेस करेंगे तो फिर वापस अपने मेन प्रोग्राम में आ जाएंगे। यहाँ आप एक कीवर्ड या एक फंक्शन यूज कर देंगे, गेट सी एच के नाम से आपने एक फंक्शन यूज कर दिया। अब ये फंक्शन का कोई मतलब नहीं है, ये सिर्फ इसलिए है, गेट सी एच मतलब कोई भी की इसके अंदर एक्सेप्ट हो जाएगी, गेट सी एच मतलब होता है कोई भी करेक्ट, कस्टमर सिंबल भी क्यों ना हो उसको भी वो ले लेता है, तो ये सी एच ले लेगा। मतलब अब आपको क्या करना पड़ेगा, रन कराते समय आपको प्रोग्राम मतलब वेट नहीं करना पड़ेगा। देखिए कैसे अल्ट F9 कंपाइल किया आपने, कोई की प्रेस की, उसके बाद यहाँ से आकर के आपने कंट्रोल F9 रन कराया आपने, इनपुट फर्स्ट नंबर आपने दिया 12, इनपुट सेकंड नंबर दिया आपने 10, रिजल्ट आपका सेम टाइम पर आ जा रहा है 22। पिछली बार फिर हमको वेट नहीं करना पड़ रहा या कोई एक्स्ट्रा की प्रेस नहीं करनी पड़ रही, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा कैसे दूर करेंगे 12 और 10 को, ये देख लीजिए, यहाँ आकर के यहाँ पे कर्सर लेकर के आएंगे यहाँ, और कर्सर लेकर के यहाँ पर आप सिंपल स्पेस प्रेस कर देंगे, जो आप यहाँ करेंगे वो चीज़ वहाँ दिखाई पड़ेगी। अल्ट F9 किया, उसके बाद कंट्रोल F9 किया, यानी पहले कंपाइल फिर रन, क्योंकि अब स्पेस दिखाई पड़ रहा है, सेम वही प्रोग्राम रिजल्ट आ रहा है, ठीक है। अब एक चीज़ और भी है, अगर आप ये एम्परसेंट मान लीजिए यूज़ नहीं करेंगे तो क्या होगा, क्या एरर आएगी या कुछ आएगा, फिर कंपाइल कुछ नहीं, ना कोई वार्निंग है ना कोई एरर है, ठीक है। कंट्रोल के साथ F9 हमने दिया 12, फिर दिया 10, रिजल्ट पता नहीं क्या क्या आ रहा है, 15969 क्या क्या आ रहा है, ये गार्बेज रिजल्ट है, इसका कोई मतलब नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ है, हमने 12 और 10 दिया तो, लेकिन वो मेमोरी तक नहीं पहुँचा। मेमोरी तक क्यों नहीं पहुँचा, क्योंकि हमने उसके साथ एम्परसेंट यूज़ नहीं किया। यहाँ हम परसेंट यूज करते हैं ए के साथ, देखिए क्या होता है, अल्ट F9 कंपाइल किया, कंट्रोल F9 रन कराया, हमने दिया 12, फिर दिया 10, माइनस था वो प्लस हो गया, लेकिन फिर भी रिजल्ट कुछ क्लियर नहीं आ रहा, ठीक है, क्यों, क्योंकि हमने एम परसेंट यूज नहीं किया। देखिए अब यहाँ फिर एम परसेंट यूज कर देंगे अगर हम दोनों में, ठीक क्या होगा, अल्ट F9 उसके बाद कंट्रोल F9, यहाँ दिया हमने 12, उसके बाद दिया हमने इनपुट सेकंड नंबर नहीं आया, चलिए फिर से करते हैं, अल्ट F9 कंट्रोल F9 12 के बाद 10, 42 आ गया, ठीक है। अब एक चीज़ और भी है इसमें, स्क्रीन में देखिए ये स्क्रीन ऊपर बढ़ती जा रही है, पीछे का रिजल्ट हम उसमें देख सकते हैं चाहे तो, नहीं तो इसके लिए एक और ऑप्शन है, अगर आप CLR SCR एक फंक्शन होता है, इसके बारे में आपको बताएंगे हम, अगर आप वो फंक्शन यूज कर देंगे तो ये हो सकता है। देखिए आप कैपिटल स्मॉल यूज देखते हैं, यहाँ हम कैपिटल कर दे रहे हैं सबको, A, B, S, इन तीनों को हमने कैपिटल कर दिया, अल्ट F9 कर दिया, देखिए तीन एरर्स दिखा रहा है, 3 एरर्स। एरर क्या है, अनडिफाइंड सिंबल A, अनडिफाइंड सिंबल B और अनडिफाइंड सिंबल S, ये A, B और ये S, तीनों इनडिफाइंड है, क्योंकि आपने वहाँ स्मॉल कैपिटल यूज़ किया है, यहाँ स्मॉल यूज़ किया है। अगर हम यहाँ भी कैपिटल यूज कर दें तब हर जगह, पूरी हर जगह,
सब जगह जहाँ जहाँ हमको हर जगह चेंज करना पड़ेगा हमको, तभी चीज़ें मतलब क्या होगा, जो नियम है कि जो आप ऊपर यूज़ कर रहे हैं वही हर जगह यूज़ करेंगे। देखिए अब फिर इसको कंपाइल कर रहे हैं, अल्ट एफ नाइन, कोई एरर नहीं है, सेम प्रोग्राम में कोई एरर नहीं है। रन कराएंगे फिर कोई एरर नहीं है, इनपुट फर्स्ट नंबर एच दे रहा है 12, कोई की दब गई थी उससे नीचे आ गया था सीधा से गाउंड था 12 10 22 आ रहा है रिजल्ट। आप कहेंगे सर बार बार एक ही क्यों यूज़ करना चाहिए, इस बार दूसरा यूज़ करते हैं, मतलब दूसरा नंबर देते हैं, अल्ट एफ नाइन कंट्रोल एफ नाइन, यहाँ दिया हमने 20 और 24। ये आपका प्रोग्राम है जो आप किसी भी दो नंबर को ले करके, कोई भी दो नंबर का यूज़ करके आप उसका क्या कर सकते हैं, उसका सम बना सकते हैं, उसका सम क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, ये प्रोग्राम मैंने आज हमने स्क्रीन के थ्रू बनाए हैं। आप अल्ट एक्स करेंगे तो इससे बाहर आ जाएंगे, कह रहा सेव करने के लिए, यस कर दीजिए, सेव हो गया आपका और थोड़ी देर बाद ये चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी, आप बाहर आ। अब ये है कि सर क्यों हमारा मतलब प्रोग्राम था या पीछे जो हमने प्रोग्राम बताए हैं बोर्ड पर और ये प्रोग्राम हमने सीधे स्क्रीन पर बताया, आप दोनों को प्रोग्राम बताइएगा मुझे और अगला क्लास हम बताएंगे तो हम फिर आपको व्हाइट बोर्ड पर ही बताएंगे। आप मुझे बताइएगा कौन सा ज़्यादा क्लास समझ में आ रहा है, हम उसके हिसाब से फिर आगे करते हैं। आज के लिए धन्यवाद।